हाय एंड हेलो मेरा बच्चा पार्टी। तो बच्चों, अगर आप नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल आपसे फिजिक्स में जरूर पूछा जा सकता है। इसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक केस है जहां पे एक आपका रफ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आपको ऊपर फोर्स लगानी है जिससे कि ये नीचे ना जाए, मतलब फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग डाउन द प्लेन। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, तो आपको कितनी ऊपर की ओर पुल करना है तो कितनी फोर्स लगानी होगी। तो यहाँ पे नीचे जाने से रोकना है और यहाँ पे आपको ऊपर लेके जाना है। तो आपको पता है जब ये नीचे जाने से रोकना है तो आपकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और यहाँ पे जो होगी तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ ले जाना चाहते, इसलिए जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगी वो नीचे आएगी। तो आपको पता है यहाँ पे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है। तो मैंने माना कि अगर यहाँ पे एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे n टू f की, जहां पे n जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, है ना। ये 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, वो आपको सवाल में दिया रहेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड द ब्लॉक। तो आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है, आप इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो अगर डबल फोर्स आपको यहां लगानी पड़ रही तो आप यहां पे 2 पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा म्यू इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 3। अगर आपको 4 टाइम्स फोर्स यहां पे ज्यादा लगानी पड़ रही तो आप यहां पे 4 पुट कर दीजिए, आपको म्यू इक्वल टू मिल जाएगा 10 थीटा। अगर आप 4 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा म्यू इक्वल टू 3 tan थीटा अपॉन 5। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल बना सकते हो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितने भी टाइम्स आपको फोर्स यहाँ पे ज्यादा दी गई है आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कीजिए।